गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ रिसर्व फ्रॉम बैथल मिशन स्कूल गोड्डा। आज मैं आप लोग के लिए एक गिटार के लेसन लेकर आया हूँ। तो आज इस लेसन में आप लोग को मैं मेजर कॉर्ड के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं। तो मेन सबसे पहला कॉर्ड जो है, आप पहले आप चार्ट पर देख लीजिए। तो आज का जो मेजर कॉर्ड है वो इस प्रकार है, ए मेजर, ठीक है, ई, डी, जी, सी, एफ एंड बी। ये आप लोग को जो है 1 2 3 4 5 6 7 सेवन मेजर कॉर्ड मैं आप लोग को गिटार में पकड़ने के लिए बताऊंगा, ठीक है? तो किस ढंग से हम लोग कॉर्ड को पकड़ते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला कॉर्ड है ए मेजर कॉर्ड। तो ए मेजर कॉर्ड में आप देख सकते हैं क्या कि फ्रेट नंबर सेकेंड में जो है स्ट्रिंग नंबर 2 3 4, ये तीनों को पकड़ने से ए मेजर कॉर्ड बनता है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है? तो फ्रेट नंबर सेकेंड में आपका जो है यूज कर रहे हैं आपका कौन सा फिंगर, 2 3 4। तो 2 3, ये देख सकते हैं आपका ये जो है फ्रेट नंबर जो है ये हो गया 2 3 एंड 4, ये तीनों इस ढंग से पकड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ए मेजर कॉर्ड, ठीक है? तो आप इस ढंग से भी पकड़ सकते हैं या फिर इस ढंग से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन सही तरीका इस ढंग से है, लेकिन है ना, आपको इस ढंग से आप यदि पकड़ते हैं तो आप क्या होगा कि आप नेक्स्ट कॉर्ड यदि पकड़ते हैं इस ढंग से आगे वाला कॉर्ड, तो इसको ये वाला आपका हेल्पफुल होगा इस ढंग से पकड़ने में। अब मान लीजिए सपोज डेट यदि इस पोस्चर में पकड़िएगा तो आप उसको नहीं पकड़ पाइएगा। यहाँ देखिए, आप इसको इस ढंग से हम पकड़ते हैं तो आपका जो है 2 3 4 स्ट्रिंग तो दब रहा है लेकिन नीचे वाला स्ट्रिंग आपका ओपन रह रहा है, ठीक है? तो इस ढंग इसीलिए जो है इसको हम इस ढंग से पकड़ते हैं और ये वाला जो है इसको इस ढंग से यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया ए मेजर कॉर्ड सेकंड फ्रेट का सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, तीनों को यदि हम एक साथ प्ले करते हैं तो ये आपका ए मेजर कॉर्ड बनता है, ठीक है? सेकंड फ्रेट का सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? इस ढंग से पकड़ें या फिर इस ढंग से पकड़ें, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ई मेजर कॉर्ड। जैसा कि देख रहे हैं ई मेजर कॉर्ड फर्स्ट फ्रेट का थर्ड नंबर स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट का फोर्थ एंड फिफ्थ। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट फ्रेट का थर्ड नंबर स्ट्रिंग और सेकंड फ्रेट का फोर्थ एंड फिफ्थ। ये देखिए फिंगर का पोजीशन देख लीजिए, फिंगर नंबर वन, ठीक है, फिंगर आपका जो ये हो गया आपका ये हो गया थर्ड, ये सॉरी ये टू और ये थर्ड नंबर, ठीक है? देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक, इस ढंग से फ्रेट नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर, फ्रेट नंबर सेकंड का फोर एंड फिफ्थ, ठीक है? ये हो गया आपका ई मेजर कॉर्ड, ठीक। नेक्स्ट है आपका डी मेजर कॉर्ड। डी मेजर कॉर्ड जो देख रहे हैं तो फ्रेट नंबर सेकंड में फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर और फ्रेट नंबर थर्ड में आपका सेकंड नंबर। तो चलिए इसको किस ढंग से पकड़ के देखते हैं। फ्रेट नंबर आपका सेकंड में फर्स्ट एंड थर्ड और फ्रेट नंबर थर्ड में आपका है सेकंड नंबर। तो देखिए किस ढंग से पकड़ेंगे, फ्रेट नंबर फर्स्ट में आपका है फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड और ये है आपका सेकंड। फ्रेट नंबर सेकंड का फर्स्ट, ये थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड और इसका सेकंड नंबर, तो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है? तो ये देखिए इस ढंग से हमको इस कॉर्ड को पकड़ते हैं, डी मेजर कॉर्ड को, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड है आपका जी मेजर कॉर्ड। तो जी मेजर कॉर्ड जो है आपका फ्रेट नंबर सेकंड का फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग और आपका है जो है फ्रेट नंबर थर्ड का सिक्स नंबर और फर्स्ट नंबर, ठीक है? तो इसको है ना इस ढंग से पकड़ते हैं, देखिए चलिए देखते हैं। तो फ्रेट नंबर सेकंड का फिफ्थ नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ और फिफ्थ, फ्रेट नंबर थर्ड का सिक्स नंबर और फ्रेट नंबर थर्ड का ही फर्स्ट नंबर, ठीक है? तो ये जो कॉर्ड पकड़िएगा सीधा हैंड से नहीं पकड़िएगा, इस ढंग से यदि आप पकड़ना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना, रिस्ट को जो है आपका इधर की ओर मूव करना है आपको, इस ढंग से हल्का कर्व करना है, इस ढंग से टेढ़ा कीजिएगा तो ऑटोमेटिक फिंगर जो है आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? यदि आप सीधा करके पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो हैंड जो है फिंगर आपका जो रिंग फिंगर
आपका फर्स्ट नंबर स्ट्रिंग पर नहीं ठीक से पकड़ाएगा। तो इसीलिए इसको कोशिश करना है कि हैंड को हल्का कर्व करना है रिस्ट को, और देखिए फ्रेट नंबर सेकेंड फिफ्थ नंबर, सेकेंड फ्रेट का फिफ्थ नंबर और थर्ड फ्रेट का सिक्स नंबर और थर्ड फ्रेट का फर्स्ट नंबर। इस ढंग से हम ये जी मेजर कॉर्ड पकड़ते हैं। नेक्स्ट है सी मेजर कॉर्ड, तो फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड, सेकेंड फ्रेट का फोर और थर्ड फ्रेट का फिफ्थ। फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड, सेकेंड फ्रेट का फोर नंबर और थर्ड फ्रेट का फिफ्थ नंबर स्ट्रिंग को दबाने से आपका सी मेजर कॉर्ड बनता है। तो चलिए फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड, सेकेंड का फोर्थ, थर्ड का फिफ्थ, इस तीनों से आपका बना सी मेजर कॉर्ड। फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड, सेकेंड फ्रेट का फोर नंबर और थर्ड फ्रेट का फिफ्थ नंबर, ठीक है। इस तीनों को है ना, इस तीनों के से आपका बनता है सी मेजर कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका एफ मेजर कॉर्ड, तो आप देख सकते हैं कि एफ मेजर कॉर्ड जो है फर्स्ट फ्रेट का, फर्स्ट फ्रेट में आप देख सकते हैं कि पूरा कवर किया गया। यहाँ से आप ये जो देख रहे हैं तो मतलब इसका मतलब है कि ये पूरा कवर किया गया है, ठीक है। मतलब एक फिंगर से आपको ये पूरा कवर करना है, और सेकेंड फ्रेट का थर्ड नंबर है आपका, और थर्ड फ्रेट का फोर्थ और फिफ्थ। तो चलिए इसको किस ढंग से हम लोग पकड़ते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एफ मेजर कॉर्ड, तो आपका जैसा कि बता रहे हैं फर्स्ट फ्रेट में, तो इसको करना क्या है आपका, आपका जो है थर्ड फ्रेट में आपका है फोर और फिफ्थ, तो आपको रिंग फिंगर को लेना है फोर्थ नंबर पे थर्ड फ्रेट का, और जो है मिडिल फिंगर को फिफ्थ नंबर पे लेना है, सॉरी ये आपका पिंकी फिंगर को, ठीक है, इसको फोर्थ में, और रिंग फिंगर को फिफ्थ में, और आपका जो है मिडिल फिंगर को सेकंड फ्रेट का थर्ड में लेना है, और उसके बाद ये वाला पूरा कवर करना है, ठीक है। तो इस ढंग से इस कॉर्ड को हम लोग पकड़ेंगे, ठीक है। इस कॉर्ड को पकड़ने में थोड़ा आपको तकलीफ होगी, तो यदि आप नहीं इस ढंग से पकड़ पाइएगा तो करना क्या है आपको, सेम वही चीज़ रहेगा, ये सेकंड का जो है ये फोर्थ रहेगा, ये फिफ्थ रहेगा, ठीक है, इसका थर्ड रहेगा, और इसका आप टू नंबर पकड़ सकते हैं, ठीक है, ये टू पकड़ लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा एफ मेजर कॉर्ड। इस ढंग से भी पकड़ सकते हैं या फिर इसको पूरा सीधा कर सकते हैं, ये आपका बार कॉर्ड हो गया एफ मेजर कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बी मेजर कॉर्ड। बी मेजर कॉर्ड क्या है, आपका फ्रेट नंबर है सेकंड में, ये पूरा कवर किया गया है वन से लेकर फिफ्थ तक, और उसके बाद थर्ड में कुछ नहीं है, फिर फोर्थ नंबर फ्रेट में लिया गया है सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस ढंग से हम लोग प्ले करते हैं। तो फ्रेट नंबर सेकंड में आपका किया गया है कवर, मतलब ये फिफ्थ तक, और उसका जो है फिर फ्रेट नंबर आपका फोर्थ में लिया गया है ये टू थ्री फोर, इस ढंग से टू थ्री फोर को ऐसे पकड़ना है फ्रेट नंबर में फोर्थ में टू थ्री फोर, ठीक है, और उसके बाद इस फिंगर से आपको लेना ही है इस ढंग से। यदि आप इसको इस ढंग से पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप इसको नहीं पकड़ सकते हैं तो करना क्या है आपको, टू थ्री फोर लेके और ये वाला सिर्फ नीचे वाला को पकड़ लेना है, ठीक है, इस ढंग से आप पकड़िएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी मेजर कॉर्ड, ठीक है। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, ए मेजर कॉर्ड जो है इस ढंग से पकड़ेंगे टू थ्री फोर सेकेंड फ्रेट में, ई मेजर कॉर्ड इसी में है ना आपका फर्स्ट, ये जो है हो गया आपका ये है ना सेकेंड का ये थर्ड, फर्स्ट का थर्ड और सेकेंड का जो है गया इस ढंग से पकड़ेंगे फोर्थ फिफ्थ। डी मेजर कॉर्ड सेकेंड फ्रेट में वन थ्री को है और ये इसका सेकेंड नंबर डी मेजर कॉर्ड। उसके बाद है जी मेजर कॉर्ड, तो सेकेंड फ्रेट का फोर्थ फिफ्थ एंड फिफ्थ नंबर हो गया, थर्ड फ्रेट का सिक्स और थर्ड फ्रेट का फर्स्ट नंबर, इस ढंग से जी मेजर कॉर्ड। सी मेजर कॉर्ड फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड, सेकेंड फ्रेट का फोर्थ, थर्ड का फिफ्थ, पकड़ने से आपका बनता है सी मेजर कॉर्ड। एफ मेजर कॉर्ड बताए थे आपको थर्ड फ्रेट का जो है फोर्थ फिफ्थ और सेकेंड का थर्ड, और आपका जो बताए थे ये वाला इस ढंग से बार कॉर्ड पकड़ सकते हैं, और नहीं तो इसका जो है फर्स्ट फ्रेट का सेकेंड वाला पकड़ लीजिए, ये आपका बन जाएगा एफ मेजर कॉर्ड। बी मेजर कॉर्ड होता है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये तीनों को सेकेंड थर्ड फोर्थ को पकड़ना है, और इसको पूरा आप या वन से फिफ्थ तक कवर कर सकते हैं, नहीं तो एक नीचे वाले को ले लीजिए, इस प्रकार आपका बी मेजर कॉर्ड बनता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो।